गाइस अभी जा रहे हैं हम छपरौड़ मंदिर, तो दिखाते हैं आप लोग को छपरौड़ मंदिर, तो दर्शन करा लेते हैं आपको। यहाँ पे धूप लगी हुई है गाइस। गाइस ये देख सकते हैं हमारे दोस्त, हम पहुंचने वाले हैं छपरौड़ मंदिर के पास, तो दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद नज़ारा यहाँ का मंदिर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है बाबा बालकनाथ के लिए रास्ता। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी। गाइस तो आपके कराते हैं बाबा बालकनाथ के दर्शन थोड़ी देर में। अभी हम पहुंचने वाले हैं छपड़ के पास, तो ये देख सकते हैं आप लोग रास्ता यहाँ से। इसका नाम छपड़ क्यों पड़ा दोस्तों? गाजी यहाँ पर पूरे में पहाड़ी पहाड़ है, तो पहाड़ में जो कि मंदिर बनाया गया है यहाँ पे, तो तब इसका नाम छपड़ पड़ा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना जो कि दिक्कत वाला रास्ता है। आज तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास, तो दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद आपको नज़ारा, तो पहले दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस पहले तो जूते खोल लेते हैं यहाँ पर। किसी भी मंदिर में जाने से पहले जूते शूज पक्का खोले। वाह गाइस तो अभी पहुंच चुके हैं हम बाबा बालकनाथ के मंदिर में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बाबा बालकनाथ का मंदिर। बाबा बालकनाथ का मंदिर मैन छपरौड़ में है। गाइस तो ये देख सकते हैं आप लोग छपड़ू का मंदिर, यहाँ पर आप लोग को दर्शन कराते हैं यहाँ पे बाबा बालकनाथ का। अरसाई बन रही है यहाँ पर। गाइस मैं बताना चाहूँगा ये जो मंदिर है यहाँ पर पहाड़ों में बना हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप लोग पूरा पहाड़ ही है यहाँ पर, और इसके नीचे भी पहाड़ी है। गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए बाबा के, तो अब चलते हैं घर की ओर। नील कुमार क्या कर रहा है? जूते लगा रहा है। तो गाइस अगर कोई आपके हिसाब से कोई रिश्ता हो तो प्लीज मेरे को पक्का भेज। मैं तोड़ खा रहा हूँ गाइस। अरे मुझे मामे लाने को। गाइस तो अभी हम चल पड़े हैं। जितने भी भाई लोग हमारी वीडियो को देखते हैं ना, फुल फुल बाज करे गाजे किस तरह से भाग रहे हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब भाइयों।